बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे छूट यानी डिस्काउंट क्या होता है। बेसिकली दुकानदारों के पास जो अशिया पड़ी होती है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि दुकानदारों के पास जो अशिया होती है उस पर कुछ कीमत उन्होंने दर्ज की होती है, जिसे हम कहते हैं दर्जशुदा कीमत, यानी जो कीमत उसने दर्ज की होती है चीज़ों के ऊपर उसे कहते हैं दर्जशुदा कीमत। और उस दर्जशुदा कीमत के बावजूद दुकानदार कहता है कि ये देखें इसके ऊपर लिखे हुए पंच किया 100 रुपये लिखे हुए प्रोडक्ट के ऊपर, और वो कहते हैं मैं आपको 80 रुपये में फरोख्त कर दूंगा। तो जो कीमत उसने हमें फरोख्त की उसे हम कहते हैं कीमत फरोख्त, यानी जिस कीमत पर उसने हमें प्रोडक्ट, ये मैं फर्जी तौर पर वैल्यूज लिख रहा हूँ, यानी 80 रुपये और दर्ज थी उस पर 100 रुपये। अब 100 रुपये दर्ज कीमत थी, 80 रुपये में उसने फरोख्त कर दी, जो 20 रुपये उसने हमें छोड़ दिए उसको हम कहते हैं डिस्काउंट, यानी जिसे उर्दू में छूट कहते हैं, यानी 20 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास दर्जशुदा कीमत क्या होती है, जो चिट पर दर्ज होती है प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है, कीमत फरोख्त यानी जिस कीमत पर दुकानदार हमें चीज़ फरोख्त कर देते हैं, और छूट क्या होती है यानी वो कीमत जो हमें दर्जशुदा कीमत के बावजूद दुकानदार छोड़ देता है उसे हम छूट कहते हैं। तो अब इसी से मुतल्लिक हम क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूला सीख लें। जैसा कि हमने पहले कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त का फार्मूला सीखा, इसी तरह हमारे पास इसके भी फार्मूले हैं, कीमतें फरोख्त का फार्मूला क्या है और फिर हम देखेंगे दर्जशुदा कीमत का क्या फार्मूला है। तो कीमतें फरोख्त का फार्मूला है हमारे पास 100 माइनस छूट फीसद में बटा 100 और ज़रब। कीमतें फरोख्त अगर दर्जशुदा कीमत की सूरत में फाइंड करेंगे तो दर्जशुदा इसको चिट पर दर्ज कीमत भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम कीमतें फरोख्त फाइंड करना चाहते हैं तो दर्जशुदा कीमत और छूट हमारे पास होनी चाहिए, और अगर हम दर्जशुदा कीमत फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास कीमतें फरोख्त और छूट फीसद होनी चाहिए। पिछले एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह हमने कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त के फार्मूलाज को देखा कि कीमतें फरोख्त की सूरत में ये रेसिप्रोकल हो जाती थी और कीमतें खरीद की सूरत में भी ये रेसिप्रोकल कर देते थे, और दर्जशुदा कीमत की बजाय कीमतें फरोख्त लिख देते थे, दर्जशुदा कीमतें फाइंड करते थे, और जब कीमतें फरोख्त फाइंड करना है तो तब इस तरह फार्मूला आ जाए। अब पहला क्वेश्चन जो है वो कीमतें फरोख्त हमने फाइंड करनी है, तो कीमतें फरोख्त फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एएफटी के अकॉर्डिंग है, तो दर्जशुदा कीमत है, क्वेश्चन नंबर है 2, दर्जशुदा कीमत ₹2760 और छूट कितनी है जी 5%। फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, कीमतें फरोख्त बराबर है 100 माइनस छूट फीसद में बटा 100 ज़रब कीमतें सॉरी दर्जशुदा कीमत। वैल्यूज पुट करेंगे 100 माइनस छूट कितनी है जी 5% और बटा 100 और ज़रब कीमतें दर्जशुदा कीमत कितनी है 2760। तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 100 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 95/100 ज़रब 2760। 2760 को 95 से ज़रब कर दें, 60 ज़रब 95/95 ये आ गया 262,200, 262,200 और बटा 100, ये 100 से 20 काटेंगे तो बाकी हमारे पास आ गया 2622। तो कीमतें फरोख्त हमारे पास आ गई 2622। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 2 कि दर्जशुदा कीमत मालूम करें। ये पार्ट नंबर 1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, और पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है
उसपे हमने क्या कर रहे हैं, कीमतें फरोख्त गिवन है और दर्जशुदा कीमत फाइंड कर। दर्जशुदा कीमत का फॉर्मूला क्या है, दर्जशुदा कीमत बराबर है, इस पर रेसिप्रोकल कर दें, यानी 100/100 माइनस छूट फीसद में, और जरब कर दें इसको कीमतें फरोख्त के साथ। ये इसकी जगह पे आ गए और ये रेसिप्रोकल। अब वैल्यूज पुट करने के लिए ये फार्मूला हम सीख लेते हैं, और ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि दर्जशुदा कीमत बराबर है 100/100 माइनस छूट फीसद में जरब कीमतें फरोख्त। अब क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दें, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर, कीमतें फरोख्त है जी। अब दर्जशुदा कीमत का फार्मूला ये है हमारे पास, अब हम सिंपली वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर वैल्यूज पुट करें। कीमतें फरोख्त है 2400 रुपए और छूट फीसद में है 4%, और हल करते हैं। फार्मूला है हमारे पास दर्जशुदा कीमत या दर्ज कीमत, दर्ज कीमत बराबर है 100/100 माइनस छूट फीसद में और जरब कीमतें फरोख्त। वैल्यूज पुट करेंगे तो 100/100 माइनस छूट कितनी है, ये 4% और कीमतें फरोख्त है 2400। 100/100 में से 4 निकालें तो 96, जरब 24। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 96 के साथ, तो 2400 को जब मैं 100 के साथ जरब कर दूंगा तो 2400 में 20 ऐड हो जाएंगे और बटा आ जाएगा 96, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं दर्जशुदा कीमत। तो 24,000 के साथ 2,40,000 के साथ 96 को डिवाइड कर, ये हमारे पास आ गया 2500। तो दुकानदार ने जो दर्ज की हुई थी कीमत वो 2500 रुपए थी, छूट उसको 100 रुपए की और फरोख्त कितने में लिया 2400 रुपए। तो अगले क्वेश्चन हम जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अगली वीडियो में सीखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।